गाइस, मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि आपको बताऊंगा मैं कैसे आप बिना एम एक्टिव के आपका जो 26 प्लस का जो वॉच रहता है उसको कनेक्ट कर सकते हो। आपको दिखा देता हूँ, ये आपका 26 प्लस वॉच, स्मार्ट वॉच जो रहती है उसको दिखा देता हूँ, बड़े स्क्रीन में दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिख रहा है ये। तो इसको आप कैसे आप कर सकते हो कनेक्ट बिना एम एक्टिव जिसका एप्लीकेशन था उस एप्लीकेशन के थ्रू। तो सिंपल सा प्रोसेस है, एक काम करना है आपको, फिर आपका जो वॉच है मैं आपको भी दिखा देता हूँ, खोल लेता हूँ हाथ से। ये जो वॉच है इसको चालू कर लेना है, चालू करने के बाद यहाँ से ऊपर से ट्रैक करना है, यहाँ पे इसको पहले ऑन कर लेना है। ये दिख रहा आपको, ऑन है दोनों, चेक करिए ऑन है। उसके बाद इसको होम बटन दबाइए, एक्टिविटी में जाना है आपको, जरा कनेक्टेड पर क्लिक करना है, प्लीज़ कनेक्ट योर फ़ोन, कनेक्ट को क्लिक करेंगे, सर्च डिवाइस पे करेंगे, सर्चिंग चल रहा होगा तो देखिए आपका जो प्लेप जो चालू कर लीजिए यहाँ से, इसमें भी सर्चिंग चल रहा है। वन प्लस नोट टू ही मेरा फ़ोन का डिवाइस है, क्लिक करा मैंने, पेयरिंग चल रहा है, ये पेयरिंग का ऑप्शन आ गया, अलाउ कॉन्टेक्ट विद मीडिया, ये हो गया आपका कनेक्टेड, प्रोसेस चल रहा है। आप इसको बिना एप्लीकेशन जो रहता है एम एक्टिव उसके थ्रू कर सकते हैं कनेक्ट। ये हो गया फिलहाल कनेक्ट हो गया है, ये आपको शो कर रहा है कनेक्टिंग, आपको कनेक्टिंग शो कर रहा होगा। गाइस, तो फिर अब करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो, मैं आपको उसमें लाइव गाना सुना के भी दिखाया था ताकि आपको भरोसा हो जाए। तो ये गाने कहाँ हैं, ये मैं आसान कर लेता हूँ, चेंज कर सकते हैं इसे, देख पा रहे आप स्क्रीन पे भी वॉइस दिखा पा था ना, बिना रेगुलेशन के भी हो सकता है कनेक्ट, तो करके दिखा दिया। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और न्यू वीडियो से तो प्लीज़ सपोर्ट, थैंक यू वॉइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।